Hi friends, welcome to my channel Rising Lifestyle में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन करी। इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg चिकन विद बोन, और मैरिनेशन के लिए यहाँ हमें चाहिए 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon कश्मीरी रेड चिली, सॉल्ट, नमक एज पर योर टेस्ट एंड 1 teaspoon कसूरी मेथी, 1 teaspoon मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। आपको जो भी कुकिंग ऑयल ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। 1/2 cup कर्ड लिया है, बीटन है कर्ड ये, और 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 green chili लिया है, उसको बीच से कट कर दिया। तो चलिए चिकन मैरिनेट करते हैं। फर्स्ट हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, सॉल्ट, ग्रीन चिली, कश्मीरी चिली, रेड चिली, कोरिएंडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे ये सारे इसमें मसाले जो भी हमने डाले हैं वो चले जाएं। अच्छे से मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप चाहें तो अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं। लेग पीस में आप थोड़े कट्स लगा लें जिससे अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए ये सारा मैरिनेशन। ओके गाइस, तो अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 1 hour के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप बाहर भी रख सकते हैं बट फ्रिज में रखेंगे बेटर होगा। एटलीस्ट 1 hour के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देते हैं। 1 hour हो चुके हैं मैरिनेशन को। अब हम इसको पैन में शैलो फ्राई करेंगे। पैन को हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और इसमें थोड़ा मक्खन डाल देंगे, थोड़ा सा बटर, और इसको खूब गरम होने देंगे। बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पे अच्छा गरम होना चाहिए पैन। पैन हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक घी डाल देंगे। और हमें ध्यान ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे ही करना है, चिकन पानी नहीं छोड़ना चाहिए। अदरवाइज पानी छोड़ देगा चिकन
तो फिर वो जूसी नहीं होगा खाने में। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम को हाई ही रखना है। अब हम इसे इसी तरह से 5 मिनट्स के लिए पकने देंगे, फ्लेम हाई ही रखना है। अब पीसते हैं इसको कलर से, क्योंकि ये थोड़े थोड़े से रेड होने लगे हैं, तो अब हम इन्हें पलट देंगे। क्योंकि चिकन में बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है, पानी नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज खाने में जूसी नहीं होगा। इसी तरह हम सारे पीसेस अच्छे से दोनों साइड से रेड कर लेंगे, गोल्डन रेड करना है, और हल्के हल्के ये ब्लैक स्पॉट आएंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। देखिए फ्लेम को हाई ही रखना है और इसी तरह 5 मिनट के लिए है दूसरी साइड से पकाएंगे। देखिए हमारे चिकन दोनों साइड से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको इसी तरह बंद कर देते हैं, इसी पैन में ही छोड़ देंगे। अब हम करी की तैयारी करते हैं। करी बनाने के लिए हमें सीजन सीजन की ज़रूरत है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हमें करी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट हमें ड्राई मसाला की ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने लिया है तेजपत्ता, 2 तेजपत्ते, 2 लाल मिर्ची, 2 हरी इलायची, कुछ लौंग, दालचीनी थोड़ी सी, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा। तेजपत्ते, लाल मिर्च, जीरा और सौंफ हम ऐसे ही डालेंगे। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को हम थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, उससे टेस्ट अच्छा आता है। ये तो हो गए ड्राई मसाले। चलिए देखते हैं दूसरे और कौन से हमें चीज़ें चाहिए करी के लिए। नेक्स्ट हमें करी के लिए चाहिए ऑनियन, फाइनली चॉप कर लिया मैंने ये प्याज को, ये 2 कप है, 3 to 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून और 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। इतनी चीज़ें हमें करी के लिए चाहिए, ये मसाले हमें करी के लिए रेडी करने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि करी के लिए हमें आगे क्या करना है। गाइस मैं करी को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको प्रेशर कुकर में बना के दिखाऊंगी। मैंने यहाँ कुकर रख दिया है गैस पे गर्म होने को। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बे लीव्स, चिली, जो भी हमने ड्राई मसाले लिए थे वो सब इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऑनियन डाल देंगे, ऑनियन को अच्छे से ब्राउन होने देंगे और इसे चलाते रहेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें
जो भी हमने मसाले लिए थे वो सब इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा वाटर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें। तो हम इसे इसी तरह छोड़ देते हैं, फ्लेम मीडियम कर देते हैं। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए मसाला तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, थोड़ी देर इसको और अच्छे से पकाएंगे। एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए हमें इसे अच्छे से पकाना है। यदि आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा वाटर यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि अब मसाला हमारा थोड़ा ऑयल छोड़ने लगा है तो हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। हम ऑनियन के साथ नहीं फ्राई करेंगे, अदरवाइज इसका जो भी अरोमा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब मसाला आपका थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगे तब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करिए, इससे इसका अरोमा बना रहता है। गाइस देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। जो चिकन हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें ऐड करते हैं। चिकन ऐड करके हम इसको थोड़ा सा चला देंगे। अब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। 1 कप ऑफ वाटर 1/2 kg चिकन में ऐड करें। आपको और पतला करी चाहिए तो आप वाटर बढ़ा दे सकते हैं। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें बॉयल आ देंगे। देखिए इसमें बॉयल आ गया है, अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। मैंने यहाँ कुकर का सीटी लगा दिया है, अब हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए पकने देंगे। 10 मिनट्स में हमारा चिकन करी रेडी हो जाएगा। चलिए 10 मिनट के बाद देखते हैं कैसा बना है। 10 मिनट्स हो गए हैं, देखिए हमारा चिकन रेडी है, कैसा कलर आया है। अब हम इसको ग्रीन कोरिएंडर से गार्निश कर देंगे। लीजिए चिकन करी रेडी है। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को राइजिंग लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल।